जबलपुर में एनआरसी और सीएए के विरोध प्रदर्शन और बलवे के बाद सरकार की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का विरोध अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार को जहां जबालीपुरम हिंदू महासभा के द्वारा 7 जनवरी को महाबंद का ऐलान किया गया, तो वहीं आज शहर में संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के द्वारा विरोध करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पंडित आदर्श मुनि त्रिवेदी ने कहा कि 3 दिनों के अंदर यदि ट्रांसफर निरस्त नहीं होते हैं तो वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन घेराबंदी करेंगे। जी दादा, सीएए के विरोध में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया गया, पत्थर बरसाए गए और जिन अधिकारियों ने बड़े संयम के साथ स्थिति को नियंत्रण में लाए, एक मंत्री के दबाव पर और एक समुदाय विशेष के दबाव पर जिस तरह से उन 5 अधिकारियों का जिनका अभिनंदन होना चाहिए था जबलपुर की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उन अधिकारियों का जिस तरह से अपमानित करके ट्रांसफर किया गया और हम लोगों को मालूम है कौन मंत्री इसके पीछे है जिसने कमलनाथ जी के ऊपर दबाव डलवा कर ये किया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन नियमित चलेगा जब तक कि अधिकारियों को वापस नहीं लाया जाएगा, उनके ट्रांसफर निरस्त नहीं किए जाएंगे। 7 तारीख को आप लोग समर्थन कर रहे हैं जबलपुर बंद में? जबलपुर बंद के बारे में हम निर्णय लेंगे, अभी हम लोग अभी जो है विरोध करेंगे। हम लोगों के विरोध के कार्यक्रम में ये है कि 3 दिन के अंदर अगर ट्रांसफर निरस्त नहीं हुए तो हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन घेराबंदी करेंगे।